नमस्कार दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सुना ही होगा। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है और इस योजना के तहत सरकारी सहायता से घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों, इस योजना का लाभ वही उठा सकते हैं जिनके पास कच्चा घर है या घर ही नहीं है, और उन जरूरतमंद लोगों को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022 की लिस्ट जारी की है। तो दोस्तों, अगर आपने भी इस योजना के लिए अप्लाई किए थे तो इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर घर सेंशन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, लिस्ट देखने के लिए या लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर आपको जाना है और रिपोर्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। अब आपको नीचे आना है और सोशल ऑडिट रिपोर्ट के नीचे बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन दिखेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिलेक्शन फिल्टर दिखेगा। इस फिल्टर में आपको अपने अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है, और ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। दोस्तों, 2022 का लिस्ट देखने के लिए 2021-2022 को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद योजना का नाम सिलेक्ट करना है, और इसमें आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सिलेक्ट करना होगा, और इसके बाद कैप्चा सॉल्व करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पंचायत की लिस्ट आ जाएगी, यानी वह लिस्ट आ जाएगी जिनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना सेंशन हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं। यह उनका नाम है जिनके नाम पर यह योजना पास हुआ है, और यह उनके फादर का नाम है, और यह उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यह नरेगा जॉब कार्ड नंबर है, और यहाँ पर हाउस का स्टेटस शो कर रहा है। जिनका कंप्लीट हो गया है उनका कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह इस लिस्ट में आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, और इस फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। वैसे ही पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लिस्ट कैसे देखना है, और अपना नाम कैसे चेक करना है, और हाउस का स्टेटस कैसे पता करना है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।